नमस्कार, नेशन वन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। झारखंड के धनबाद में मुख्यमंत्री रघुवर दास एक प्राइवेट हॉस्पिटल के समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 68 लाख परिवार झारखंड में रह रहे हैं और जिनमें से 2 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार 6 करोड़ खर्च करके 57 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने का काम करेगी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि धनबाद की आपराधिक गतिविधियों पर सरकार की पैनी नजर है। जिस तरह हमारी सरकार आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि हमें हेल्दी झारखंड बनाना, जब तक झारखंड का हेल्दी नौजवान, हमारा आने वाला झारखंड हेल्दी नहीं होगा, हुष्ट पुष्ट नहीं होगा, झारखंड विकसित, झारखंड समृद्धशाली, झारखंड स्वावलंबी झारखंड नहीं बन सकता। इसलिए आने वाले समय में हेल्दी झारखंड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी हम लोग फोकस करके जो भी कमियां हैं उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश घिंडियाल ने प्रसाद योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रसाद योजना के तहत 34 करोड़ की लागत के कार्यों की शिकायतें सामने आने पर निर्माण निगम को 30 जून तक सभी पार्किंग के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग यदि किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कुछ पार्किंग में शिकायतें आ रही थी, गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थी, तो आज उसमें कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं। किसी में हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रखा हुआ है और ADM साहब की अध्यक्षता में कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो वो कमेटी भी जांच करेगी गुणवत्ता की और कोशिश करेगी कि समय के अंतर्गत इस कार्य को पूर्ण कराया जा सके। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। वही मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बिजली का तार बिछाकर बाघ का शिकार करने वाले शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। शिकारियों के पास से बाघ की 13 बड़ी हड्डियां, 60 छोटी हड्डियां, एक दाढ़, एक दांत और 2 नाखून जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाघ के जाल में फंसने के बाद उसे जलाकर शेष बची हड्डियां विक्रय के लिए लाए थे। वहीं टाइगर रिजर्व की स्पेशल टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंडला से अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। टू रजिस्टर ऑन manglik.com यूज प्रोमो कोड Nation1। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान दुकानों पर छापेमारी करके भारी मात्रा में पॉलीथीन को जब्त किया गया। कुछ दुकानदारों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को देखकर पॉलीथीन छुपा दी, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निकिता खंडेलवाल ने दुकानदार को फटकार भी लगाई। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पॉलीथीन रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला और दोबारा मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जैसे कि सबको पता है कि हमारे प्रदेश में प्लास्टिक पूरी कंप्लीटली बैन है, प्लास्टिक कैरी बैग्स पे टोटल बैन है। बहुत बार ही इसका अभियान पहले भी चले हैं और हम बार बार निरंतर हमें ऊपर से भी निर्देश मिले हैं कि हाईकोर्ट का जो ये रूलिंग है इसको बहुत सख्ताई से पालन करवाना है, कोई भी प्लास्टिक के कैरी बैग्स यूज ना करें। तो आज सुबह हम नॉर्मल नियमित चेकिंग कराएंगे, उसमें लगभग हमने कुछ 7 दुकानों पर चेकिंग कराई, जिसमें से 5 दुकानों पर अभी हमें प्लास्टिक मिली है, लगभग टोटल कुल मिला के 15,000 का जुर्माना। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। आपने साले को जीजा का सम्मान करते हुए देखा होगा, खातिरदारी करते हुए देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला ये है कि उत्तराखंड के रुड़की में साले ने अपने जीजा की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर डाली। दरअसल जिस वक्त लड़की की विदाई हो रही थी उसी पल अचानक किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जिस पर साले ने अपने जीजा को भरी महफिल में पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं 2 युवकों में झगड़ा हुआ था, दोनों ही परिवार में जीजा साले आपस में लगते हैं, पारिवारिक समस्या को लेकर उसमें आपस में झगड़ा हुआ,
जिसमें दोनों को छोटी चोटें आई, उसको मेडिकल कराया गया, बाकी जांच चल रही है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। वही उत्तराखंड के रुड़की में जमीन विवाद को लेकर 7 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। मामला रुड़की के लक्सर कोतवाली के जैनपुर मतलूबपुर गांव का है, जहां दो पक्षों में जमीन को लेकर एक विवाद हो गया, जिसमें दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते 7 साल के मासूम कमरान को गोली लगने से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि कालू का खेत और इसका दूसरा पक्ष जो जिसके गोली लगी है, फरजान का खेत, बराबर बराबर में है। कल ये ट्यूबवेल का पानी दे रहे थे तो कल्लू के खेत में थोड़ा पानी टूट गया, उसकी रंजिश रखते हुए आज इसने, कल्लू ने इस पर गोली चला दी इनके बच्चे पर, जिसके इंजर्ड है, जो गंभीर रूप से घायल है, उसे रुड़की भेज दिया गया और कल्लू भागा हुआ है और बाकी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए नेशन वन के साथ।